नमस्कार दोस्तों, मिस्थीरी अस्नूज में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह एक ऐसा मंत्र है जो न सिर्फ हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की जुबान पर रहता है, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी इस मंत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कई शोधों में इस बात को माना गया है कि गायत्री मंत्र के जाप से कई फायदे मिलते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है और चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सावित्री हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि नियमित 3 बार जप करने वाले व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत और ऊपरी बाधाएं नहीं भटकती हैं। गायत्री मंत्र के जप से कई तरह का लाभ मिलता है। इस मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इस मंत्र के जप से बौद्धिक क्षमता और मेधा शक्ति यानी स्मरण की क्षमता बढ़ती है। इससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है और साथ ही दुखों से छूटने का रास्ता भी मिलता है। गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से लेकर सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक किया जा सकता है। मौन मानसिक जप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। रात में गायत्री मंत्र का जप लाभकारी नहीं होता है, उल्टे इसका मिल सकता है कोई गलत परिणाम, इसलिए यह गलती भूलकर भी न करें। रात्रि काल में गायत्री मंत्र बिल्कुल न जपें। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने गायत्री मंत्र को भौतिक जगत में सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंत्र बताया है। आर्थिक मामलों में परेशानी आने पर गायत्री मंत्र के साथ श्री का संपुट लगाकर जप करने से आर्थिक बाधा दूर होती है। छात्रों के लिए यह मंत्र बहुत ही फायदेमंद है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुट मणि कहा गया है। नियमित रूप से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि तेज हो जाती है और किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह मंत्र व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को निखारने का भी काम करता है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।